सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। एंड आज की वीडियो हमारे साथ है सुशांत, जिसकी जेई मेंस में 99.66% आई थी एंड जेई एडवांस में अराउंड 2700 रैंक लेके आया था। सो आज हम सुशांत से जानेंगे उसकी आईटी जेई की जर्नी के लिए, उसने कैसे आईटी क्रैक किया विद सच ए गुड रैंक। एंड वीडियो हम स्टार्ट करो उससे पहले आप लोग वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप चैनल पर नए हो, अगर अब तक ये वीडियो पहुंची है। सो मेक श्योर करना कि आप चैनल का बेस्ट से बेस्ट यूज कर पाओ। एंड तो सीधा चलो यार, स्टार्ट करते हैं हम इस पॉडकास्ट का। तो सुशांत, थोड़ा अपना शॉर्ट में इंट्रो दे देना लोगों को। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुशांत है। मैं बेसिकली महाराष्ट्र से हूँ। तो मेरी जेई मेंस में परसेंटेज 99.66 थी। रैंक थी 3082 और एडवांस में रैंक मेरी 2756 थी। ओके तो सुशांत, हम स्टार्ट करते हैं कि तुमने अपनी प्रिपरेशन क्लास 11 से, लाइक जैसे आइडियल होता है हर एक जेई स्टूडेंट की, क्लास 11 से स्टार्ट की थी या उससे पहले स्टार्ट कर दिया था, फाउंडेशन ये सब किया था? नहीं, 11 से पूरी प्रॉपर प्रिपरेशन शुरू कीजिए। उसके पहले कुछ भी नहीं था। ओके, सो क्लास 11th में तुमने कोई कोचिंग ज्वाइन की थी या सेल्फ स्टडी किया है? कोचिंग ज्वाइन की थी मैंने कोटा में। हाँ अच्छा, मतलब तुम कोटा चले गए थे क्लास 11th में, वहां पर तुमने वाइब्रेंट कोटा ज्वाइन किया बेसिकली। मतलब ज्वाइन किया था ऑफलाइन, लेकिन 11th में कोविड था तो 11th तो पूरा ऑनलाइन ही हुआ। 12th में बेसिकली गया था मैं ऑफलाइन प्रॉपर। अच्छा, तो 11th ऑनलाइन किया था और 12th ऑफलाइन चले गए थे वाइब्रेंट कोटा। हाँ, और तुम्हारे टीचर्स कौन कौन थे वाइब्रेंट कोटा में? टीचर्स तो नरेंद्र अवस्थी सर थे, एम एस चौहान सर, विकास गुप्ता, नितिन जैन सर थे, पंकज जोशी सर, फिर विमल कुमार जायसवाल सर तो जैसा हम देखते हैं कि बहुत सारे कोटा में से स्टार बैचेस का सिस्टम चलता है, कि मतलब जो अच्छे अच्छे टीचर होते हैं वो कुछ ही बैचेस में पढ़ाते हैं, बाकी बैचेस में दूसरे टीचर्स भेजाते हैं। तो क्या सच में ऐसा था तुम्हारे साथ, या तुम सही में इन सारे टीचर्स से पढ़े थे, या फिर मतलब तुम स्टार बैच में थे या फिर तुम एक नॉर्मल बैच में थे? क्योंकि सुनने में आता है कि नॉर्मल बैच में अच्छे टीचर्स इन द सेंस के लाइक स्टार टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं जनरली, तो ये कैसा था मतलब? हाँ मतलब है ऐसा सिस्टम है। मैं तो टॉप बैच में था, इसलिए हमारे को वाइब्रेंट में 7 डायरेक्टर थे। तो मैथ्स और फिजिक्स के लिए तो दो दो टीचर थे, इसलिए टॉप बैच में तो पांचों सब्जेक्ट के लिए डायरेक्टर्स थे। और जो एक्स्ट्रा दो टीचर थे वो सेकंड लास्ट मतलब सेकंड टॉप बैच को भी पढ़ाते थे, और बाकी बैच को मतलब रेगुलर टीचर्स होते थे। ठीक है। एंड हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे तुम अच्छे अच्छे टीचर से पढ़े थे, सो लाइक कि तो बेसिकली तुमने वाइब्रेंट की सारी मॉड्यूल सॉल्व की होंगी, हाँ तो उसके अलावा लाइक वो स्टैंडर्ड बुक्स भी जो टीचर्स ने रिफर करी थी, तो ऐसा कुछ सीन था कि मतलब टीचर्स ने कुछ स्टैंडर्ड बुक्स रिफर करी थी? मुझे लगता है कि वाइब्रेंट के तो टीचर्स खुद ही मतलब बहुत सारी बुक्स के ऑथर है, तो क्या उन्होंने अपनी बुक्स सजेस्ट की थी तो मतलब स्टूडेंट्स को सॉल्व करने के लिए? हाँ मतलब ऑफ कोर्स वो तो सजेस्ट करेंगे अपनी बुक सॉल्व करने के लिए, और वो बीच बीच में मतलब एज अ होमवर्क भी दे देते दे कि ये बुक से इतने ऐसा मतलब इतना सेक्शन सॉल्व करके आना एज अ होमवर्क। तो और वो मतलब मैंने बाद में मतलब सिलेबस खत्म होने के बाद खुद से भी वो पूरी बुक लगाई हुई थी सारे। ओके, तो कौन कौन सी बुक्स लगाई थी? वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, पीडब्ल्यू आपके लिए लेके आए बहुत ही अमेजिंग दिवाली ऑफर, जहां पे आपको बहुत सारे पीडब्ल्यू के एक्सक्लूसिव बैचेस बहुत ही भारी डिस्काउंट में मिल रहे होंगे। सो जैसा कि जो फर्स्ट बैच है वो प्रयास जेई का बैच है, ये क्लास ड्रॉपर्स के लिए है, और इसका जो प्राइस रखा गया 2500 रुपीज रखा गया है। इसके अलावा जो नेक्स्ट बैच है वो लक्ष्य जेई का बैच है, ये क्लास 12th के लिए फोकस रहने वाला है, इसका भी प्राइस 2500 रुपीज रखा गया है। जो थर्ड बैच है वो अर्जुना जेई का बैच है, ये क्लास 11th वालों के लिए है, एंड इसका भी प्राइस 2500 रुपीज रखा गया है। एंड जो नेक्स्ट बैच है वो है अपना जेई प्रवेश साइंस 2024 बैच, ये क्लास 12th के लिए फोकस करता है बेसिकली, और इसका प्राइस जो रखा गया है 1700 रुपये का रखा गया है। एंड जो अपना फिफ्थ बैच है दैट इज जेई अल्टीमेट क्रैश कोर्स बैच, ये क्लास 12th और ड्रॉपर्स के लिए मेजरली फोकस इसका रहता है, और इसका प्राइस है 2100 रुपये रखा गया है। इन सभी बैचेस में आपको पीडब्ल्यू क्या दे रहा होगा, इंडिया के जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इस कोर्स में आपको पढ़ाएंगे। क्लासेस 6 डेज पर वीक चलेंगी एंड 3 लाइव लेक्चर्स होंगे पर डे। आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी दिए जाएंगे, इन वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे उनके, और इन क्विज फॉर्मेट में होने वाला है। साथ ही साथ आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे हर एक क्लास के, जो कि आपको पीडब्ल्यू के ऐप पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ शेड्यूल टेस्ट भी होंगे जो अकॉर्डिंग टू द प्लान। इसमें साथ साथ आपको है ना जो जेई अल्टीमेट क्रैश कोर्स है इसमें आपको 3 पार्ट में कवर कर जाएगा, MIC, MIP और MIA। एंड साथ ही साथ इसका जो सिलेबस है ना वो 17 जनवरी तक आपको कवर करा दिया जाएगा। जो इसके इसमें मॉड्यूल्स भी आपको प्रोवाइड की जाएंगे, हर बैच की अपनी खुद की सेट ऑफ बुक्स है जो कि आप परचेज कर सकते हो यूजिंग कूपन कोड Diwali20। साथ ही साथ मैं इसका लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड साथ ही साथ आप अगर मेरा कोड यूज कर सकते हो HD150 तो आपको एडिशनल 150 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। सो मेक श्योर आप मेरा कोड यूज करो, एंड साथ ही साथ आप ये इन बैचेस को जरूर से जरूर देखना। मैंने नरेंद्र अवस्थी, एम एस चौहान, फिर विकास गुप्ता सर की 3 बुक लगाई थी, ब्लैक बुक, येलो बुक और पिंक बुक, और फिर इनऑर्गेनिक के लिए भी लगाई थी। तो तुम्हें क्या डिफरेंस रहता है अगर कोई स्टूडेंट अगर खाली मॉड्यूल लगा रहा है कोई भी कोचिंग का,
और वो स्टैंडर्ड ये सारी जो हाइप मतलब ये जो बुक्स है अगर उसको नहीं सॉल्व करता सो कुछ डिफरेंस आ सकता है उसकी प्रिपरेशन में, बुक्स मस्ट है अपार्ट फ्रॉम मॉड्यूल्स। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो मॉडल के अलावा बुक सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि वो थिंकिंग एबिलिटी को एनहांस करता है, और जो सबसे ज्यादा उसका इफेक्ट होता है वो होता है प्रैक्टिस में। और जे एडवांस में जैसा अपने को पता है, जो थिंकिंग एबिलिटी अपनी टेस्ट होती है, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा हायर लेवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतनी ज्यादा थिंकिंग एबिलिटी अपनी शार्पन होगी। एंड सुशांत तुम अपना जब तुम कोटा में थे तुम्हारा लाइक डेली शेड्यूल क्या होता था, लाइक तुम्हारी क्लासेस कब से होती थी, मतलब तुम सेल्फ स्टडी को कितना टाइम देते थे, तो तुम्हारा डेली शेड्यूल क्या रहता था कोटा में? डेली शेड्यूल तो मतलब मैं 9 से मेरी एक आदत थी कि मैं 10 बजे सो जाता था और 4 बजे उठ जाता था, तो बस मैंने यही कैरी फॉरवर्ड किया था 11th 12th में। तो बस 4 बजे उठ के 9 बजे तक क्लास होती थी, तो 7 8 बजे तक पढ़ता था, फिर क्लास जाता था, 2 बजे तक क्लास होती थी। क्लास से आने के बाद खाना आधा घंटा 1 घंटा, मतलब अप्रॉक्स कुछ फ्री टाइम यूट्यूब वीट्यूब देख लिया, और फिर उसके बाद रात में सोने तक पढ़ना, बस यही होता था। एंड एक और जनरली स्टूडेंट्स में क्वेरी होता है कि आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो अगर, सो उसको बेसिक से लेके एडवांस तक कैसे लेके जाते थे, मतलब उसमें क्या क्या चीजें कवर करने की कोशिश करते थे ताकि एक चैप्टर बेसिक से एडवांस लेवल तक फिनिश हो जाए, और वो पता कैसे चलता था कि लाइक मेरा चैप्टर एडवांस लेवल तक चला गया है या नहीं चला गया है? ये एडवांस लेवल तक जाने के बाद तो मतलब पूरी सेल्फ डिपेंडेंट होती है। अगर हमें कॉन्फिडेंस आ रहा है तो इसका मतलब अपन ने खुद से किया है, अगर नहीं आ रहा है तो मतलब भले हार्ड लेवल क्वेश्चन हो रहे हो, कहीं ना कहीं डाउट होता है कि नहीं हुआ है। मेरे साथ तो यही केस था। और बेसिक से एडवांस लेवल जाने की बात ये है कि हमारे जो मॉड्यूल्स होते हैं, मतलब सबके मॉड्यूल्स जनरली ये स्ट्रक्चर होता होगा, फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत बेसिक होती होगी, फर्स्ट एक्सरसाइज मतलब वो सारे कॉन्सेप्ट कवर करती है। कौन सी भी चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व की तो सारे बेसिक कवर हो जाते हैं, मतलब उससे पता चलता है कि अपनी थ्योरी स्ट्रांग है। तो फिर जैसे हायर लेवल एक्सरसाइज करते हैं, उससे प्रैक्टिस बढ़ती है और प्रूफ पता चलती है कि कैसे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। और फिर उसके बाद अगर मॉड्यूल के बाद एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो जब बुक सॉल्व करते हैं, तब जाके थोड़ा लगता है कि हाँ वो प्रिपरेशन हो रही है, ये चैप्टर अपना कंफर्म हो गया है इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स को थ्योरी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए या फिर न्यूमेरिक मतलब बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करने में? मैथ्स फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे अगर बात हो गई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें मतलब थ्योरी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार थ्योरी कंफर्म है तो क्वेश्चन मतलब 1 2 सेकंड की बात है, बस देखते ही बन जाते हैं। इसलिए ये जो स्टार्टिंग 3 सब्जेक्ट होते हैं उसमें प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अब हम आते हैं तुम्हारे टेस्ट वाले पार्ट पे, तो तुम कोटा में जब थे तो टेस्ट देते थे, सो तुम्हारे टेस्ट के मार्क्स क्या रहते थे बेसिकली, मतलब क्या रेंज में तुम्हारे मार्क्स आते थे? स्टार्टिंग में तो मेंस में 300 में से 150 200 के अप्रोक्स ही आते थे, और फिर मिडल में लगभग कांस्टेंट हो गया था, 210 220 230 ऐसा कांस्टेंट हो गया था। फिर लेकिन एंड एंड में मैं फिर से ड्रॉप कर गया था, तो जैसे सिलेबस खत्म होने आया था मार्क्स बहुत गिरने लगे थे मेरे। और फिर जब अनाउंस हुआ कि मेंस पोस्टपोन्ड हुई है, उसके बाद बहुत जंप ले ली थी मेरे मार्क्स। सो ऐसा मतलब तुमने क्या एनालिसिस कर लिया था कि तुम्हारे मार्क्स में इतना जंप आ गया, मतलब थोड़ा शेयर करो कि लाइक कि बहुत लोगों की दिक्कत हुई है ना कि लाइक मार्क्स तो लगातार दिए जा रहे हैं बट नंबर इंप्रूव नहीं हो रहे, कॉन्स्टेंट ही रह रहा है कि 170 पर स्टक हो गए हैं, कुछ इंप्रूव ही नहीं हो पा रहा, तो लाइक उसको एनालिसिस कैसे करें स्टूडेंट? सेम सेम मेरे साथ भी यही हुआ था, बीच में कांस्टेंट रहे थे, उसके बाद ड्रॉप आ गया था। तो बस मैंने यही चीज मतलब ज्यादा फोकस की कि अगर मार्क्स को मिडिल स्टेज में इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए, इसको एज अ प्रैक्टिस लेना चाहिए। कम मार्क्स आ रहे कोई बात नहीं, ज्यादा मार्क्स आ रहे तो भी कोई बात नहीं है, मतलब बस एनालिसिस करना चाहिए, क्वेश्चन वाइज एनालिसिस होना चाहिए कि क्या गलत कर रहे हैं अपन, किस क्वेश्चन में किस तरीके से गलत जा रहे हैं। जब मैंने ये रियलाइज किया ना मेरा ड्रॉप करने के बाद, जब मैंने ज्यादा फोकस करना छोड़ दिया मॉक टेस्ट पे, अपने प्रैक्टिस पे फोकस करने लगा इंप्रूवमेंट पे। अब जैसे मेरे मॉक टेस्ट में क्या क्या होता था, एक टाइम आया था जब मैं 1 महीना कंटिन्यूअस मैथ किया था, मतलब कोई और सब्जेक्ट कुछ टच भी नहीं किया था, तब मॉक टेस्ट में ऐसा होता था मेरे बाकी सब्जेक्ट्स के मार्क्स बहुत गिर जाते थे। लेकिन तब तो मुझे पता था कि नहीं ये थोड़ी देर के लिए, इसलिए मैंने मॉक टेस्ट पे तब ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो बस वो जैसे जैसे आगे गया सारे सब्जेक्ट्स कवर किए, ऑटोमेटिक बढ़ गए मार्क्स। और सिलेबस कवरेज कितना इम्पोर्टेंट है जेई मेंस और जेई एडवांस के परस्पेक्टिव से, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट होता है जो बेसिक हमारे टाइम में तो थोड़ा लेट हुआ था बट जनरली जनवरी फरवरी में हो जाता है, सो सिलेबस कवरेज कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? सिलेबस तो अगर मतलब मार्क्स के तरीके से देखा जाए तो वो सब्जेक्ट्स पहले कवर करने चाहिए जो बेसिक है, मतलब जो आगे चैप्टर्स पे काम आने वाले हैं। उसके बाद वो सब्जेक्ट्स चैप्टर्स कवर करने चाहिए ना जिसके वेटेज ज्यादा है, मतलब जिससे क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। और बेसिकली बात की जाए अगर मतलब कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन बेसिकली मतलब डिफर अपनी रैंक डिफरेंस डिसाइड करते हैं, तो जो अपना टारगेट है उस हिसाब से फिर सिलेबस कवरेज होता है। फिर अगर पूरा सिलेबस कवर करें तो एक बात ही खत्म।
एंड अभी हम मूव करते हैं जेईई मेंस के फर्स्ट टाइम की तरफ, जब लास्ट मंथ बचा था जेईई मेंस के लिए। सो लाइक तुम्हारी प्रिपरेशन, लाइक तुम्हारी स्ट्रेटजी क्या थी, लाइक तुमने लास्ट मंथ में जेईई मेंस के लिए क्या क्या चीजें सॉल्व की थी, या फिर तुम्हारी ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या थी जेईई मेंस के फर्स्ट टाइम के लिए लास्ट मंथ? मैंने मतलब मेंस पे तो ज्यादा फोकस नहीं किया था, क्योंकि मेरे हिसाब से एडवांस में मार्क्स ड्रॉप किए थे। मैं सोचा था मेंस तो मैं कैसे कैसे निकाल लूंगा, लेकिन एडवांस में जाके फंस सकता हूँ, इसलिए मेरा पूरा फोकस एडवांस पे था। जैसे मतलब कोर्स भी खत्म हो गई थी, तो 20 दिन में मेंस थी, लेकिन फिर भी मैं MS Stone लगाने बैठा था एडवांस लेवल की। मतलब मेंस की मैंने प्रिपरेशन आई थिंक 1 हफ्ता पहले शुरू की थी, और मैं तब बस PYQs और वो सब लगाता था, ज्यादा कुछ नहीं करता था मेंस। और फिर तुम्हारे जी में फर्स्ट टाइम 99.6% बन गई थी या सिक्स सेकंड 6 बन गई, हाँ तो उसके बाद तुमने लाइक सेकंड टाइम में फोकस किया या फिर सीधा मतलब फिर एडवांस का ही चालू रखा मतलब? नहीं मतलब थोड़ा बहुत तो चलते रहा, जिससे मतलब ऐसा लगा कि भाई पहले से तो कम ना आ जाए, बस पहला मेंटेन हो जाए, मतलब सेंस ऑफ प्राइड की वजह से, और बाकी तो एडवांस पे पूरा फोकस था। ओके। और एडवांस के लिए क्या करते थे, मतलब कुछ स्पेसिफिक चीजें बताना चाहो मतलब एडवांस के लिए, मतलब जब सिलेबस खत्म हो गया फिर, मतलब जब जी में इसका फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया तो उसके बाद एडवांस के लिए क्या किया फिर? प्रैक्टिस मेरा तो मतलब वही होता था स्टार्टिंग से, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करूँ मतलब उतनी कम है। मतलब मेरे स्कूल के टीचर एक बार बोलते थे ना कि इतनी प्रैक्टिस करो कि खुद इरिटेट हो जाओ, मतलब रिगरस प्रैक्टिस चाहिए तब जाके इम्प्रूवमेंट होगी। तो वो प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चंस PYQ सॉल्व करते थे या फिर जैसे तुमने बताया बुक्स थी, तो मतलब जैसे ये जो बुक्स तुम बता रहे थे तुमने तो आई थिंक क्लास 11th 12th में सॉल्व कर लिया होगा, या फिर इन बुक्स को भी जेईई मेंस के फर्स्ट टाइम के बाद ही उठाया था, या फिर प्रैक्टिस कहाँ से करते थे, सोर्सेस क्या होते थे तुम्हारे क्वेश्चंस के? प्रैक्टिस तो मतलब चैप्टर्स के साथ पैरेलल जो चलता था वो शीट होती थी मॉड्यूल्स, और मैंने बुक सॉल्व करना तब शुरू किया था जब मेंस पोस्टपोन्ड हो गई थी। उसके ओके। पहले मेरा टारगेट था कि मैं बुक सॉल्व करूंगा मेंस से पहले तक, लेकिन बैकलॉग इतना था कि नहीं हो पाया। जब मेन पोस्टपोन्ड हुई तब मैंने सीरियसली बुक कर लिया, तो प्रैक्टिस के लिए मैं बस यही करता था। बुक्स मतलब बुक से इतने होते थे कि और कुछ करने का टाइम ही नहीं था, जो सर अच्छा, ने बुक्स बोले थे वही उसी में टाइम चला गया। तो मतलब बुक्स जो तुमने सॉल्व की थी, जो भी तुमको रिकमेंड की गई थी, वो तुम पैरेलल ही नहीं कर रहे थे क्लास 11th 12th में, ये तुमने बेसिकली किया सिलेबस खत्म हो गया और जेईई मेंस के पहले जब थोड़ा टाइम मिला उस ड्यूरेशन में तुमने ये बुक्स कवर की थी। हाँ, बस कुछ कुछ सेक्शंस अगर जो सर ने बोले कि ये होमवर्क है इस चैप्टर के बाद, तो उतना पार्ट तो करके जाता हूँ। सो ये थी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स पता चले हो, सो मेक श्योर करना आप इसको नोट डाउन करो और इसको इम्प्लीमेंट करने का पूरा ट्राई करना, एंड वीडियो जरूर लाइक कर देना यार, एंड चैनल भी सब्सक्राइब करके रखो, आगे आपके लिए ऐसे बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं, सो मेक श्योर करना आप चैनल से जुड़े हुए हो। सो चलो यार फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।